हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, इन दिनों हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जिनका आवास या कार्यस्थल बहुत ज़्यादा शोरयुक्त, मार्केटप्लेस, रेलवे स्टेशन, हाईवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि के आसपास है, जहाँ बहुत शोर होता है। जहाँ बहुत शोर होता है और वो परेशानी का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो एक प्राकृतिक हल देता है पेड़ पौधों की लगाने के माध्यम से। आज हम जानेंगे ये वीडियो के माध्यम से इन सब जगहों पे रहने वाले लोग या और भी शांति तलाशने वाले लोग कैसे अपने घर को एक साउंड पॉल्यूशन से कवर दे सकते हैं, बच सकते हैं दोस्तों, और अद्भुत शांति ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनि केवल इसलिए नहीं जाते थे वनों में कि वहां पर उनको बहुत ज्यादा प्राकृतिक वातावरण मिल रहा, अच्छी हवा मिल रही है। एक बड़ा कारण ये भी था दोस्तों, वहां पर भरपूर शांति थी, क्योंकि पेड़ पौधे में वो अपार क्षमता है जो कि साउंड पॉल्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, इसी पर आधारित ये वीडियो उम्मीद है कि आपको अवेयर करेगा, ये बताएगा और पौधों के बारे में भी जानकारी देगा दोस्तों कौन से ऐसे पौधे हैं जो अपने घरों के आसपास लगाएं, घरों में लगाएं, जो कि साउंड पॉल्यूशन को मैनेज करने में एक प्राकृतिक तरीका होगा। दोस्तों, जब भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं और उनसे साउंड वेव्स टकराती हैं, तो दोस्तों पेड़ पौधों की खासियत है एब्जॉर्प्शन करना। खासियत है उस आवाज को कि जो इंटेंसिटी है उसको वीक कर देना। पेड़ पौधों की खासियत है दोस्तों उसकी आवाज को जो एक बहुत ज्यादा है उनको डाइवर्ट कर देना। जब बात पेड़ पौधों की कहता हूं दोस्तों, तो उसमें तने भी हैं, ब्रांचेज भी हैं, पत्तियां भी हैं, टहनियां भी हैं, सारे जो उसके पार्ट्स ऑफ द ट्री हैं, पार्ट्स ऑफ दी प्लांट होते हैं, सब में सब के सब का अपना रोल होता है। दोस्तों, जो पेड़ मोटे तने वाले होते हैं, जिनकी पत्तियां बहुत मोटी होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं अगर तो बरगद का पेड़ है, आप टच करके देखें तो उसकी पत्तियां मोटी होती हैं, रबर प्लांट है उसकी पत्तियां मोटी होती हैं, ये सब पौधे साउंड पॉल्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, झाड़ियां जो कि बहुत घनी होती हैं, उनसे जब साउंड वेव टकराती है एक पत्ती से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी, तो ऐसे में क्या होती है, उस साउंड की इंटेंसिटी, तीव्रता बहुत वीक हो जाती है। दोस्तों, तो है ना एक प्राकृतिक इलाज। केवल यही इलाज नहीं है दोस्तों कि हम घरों के शीशे बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, दरवाजा बंद कर लें, ये अप्राकृतिक है दोस्तों, क्योंकि वेंटिलेशन किसी भी कमरे की पहली जरूरत होती है उसको पोल्यूशन फ्री करने के लिए। अगर हम ऐसा ही करते हैं तो दोस्तों ये तो अप्राकृतिक तरीका हो। बेहतर है कि हम घरों के आसपास ऐसे प्लांट लगाएं, हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें स्पेस क्रिएशन का एक आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे अपने घरों के सामने इस तरह के पौधे या घरों में लगा सकते हैं। दोस्तों, जिनके पास बहुत बड़ी जगह नहीं है उनको मैं बता दूं दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर उसकी पूरी आप दीवार बना दे झाड़ी नुमा, उसको खूब ब्रांचेस निकाल निकाल के, ये बहुत सस्ता, बहुत अच्छा और तो और ग्रीनरी फैलाने वाला ऐसा पौधा है जो कि साउंड पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, मैनेज करता है। दोस्तों, घर के बाहर नीम का पेड़ लगाएं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा पौधा है जो कि मेडिकेटेड तो कर ही देता है आसपास के वातावरण को, साउंड पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता। आप गाँव में देखें भरपूर शांति रहती थी, वजह क्या है, कुछ भी आवाज होती थी उनमें ये उनकी आवाज को इनमें एक एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है। दोस्तों, पीस लिली का पौधा, फाइकस का पौधा, ये सब पौधे ऐसे हैं जो साउंड पॉल्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से संभालते हैं। दोस्तों, आपको बहुत शांति मिलेगी जब आप इन पौधों को घरों में लगाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप अपने साउंड पॉल्यूशन के इशू को इस प्राकृतिक वे से हैंडल करेंगे, ना कि किसी अप्राकृतिक तरीके से, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, हम हैं तो प्रकृति है, साथ में जीना है। थैंक यू दोस्तों।